ऑयल अच्छा है या नहीं, वो है क्या ये हेयर ऑयल मतलब हेयर फॉल को रोकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है कामाया ब्रदर का हेयर का जो किट है, वो किट है वो एक किट है कामाया ब्रदर का हेयर केयर जो किट है पूरा। तो इसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। इसका हेयर ऑयल, हेयर क्लेंजर और कंडीशनर, इन सब के ऊपर मैं रिव्यू करने वाली हूँ। और एक किट मुझे कामाया ब्रदर का और कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने पर मुझे फ्री मिला नायका के पिंक फ्राइडे सेल के चलते समय। तो नायका का पिंक फ्राइडे सेल का हॉल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको आप देख लेना। तो टुडे आई एम टॉक अबाउट द हेयर ऑयल एंड द हेयर क्लेंजर एंड द कंडीशनर, सो हाउ मच आई लाइक इट, लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो फिर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, तो जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली मैं बात करूंगी कामाया ब्रदर का हेयर ऑयल के बारे में। तो मैंने इसका बड़ा पैक भी ख़रीदा है और ये छोटा पैक मुझे फ्री मिला है इस किट में। तो इस हेयर ऑयल को मैंने पहली बार इस्तेमाल नहीं किया, इससे पहले भी मैंने इस्तेमाल किया है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग अगर चाहे तो उसको चेक कर सकते हो। तो अभी इसका पूरा रिव्यू मैं दूंगी। तो ये ऑयल अच्छा है या नहीं, तो माई आंसर इज़ येस, दिस ऑयल इज़ वेरी गुड। क्वेश्चन है वो है क्या ये हेयर ऑयल मतलब हेयर फॉल को रोकता है, तो येस ये हेयर ऑयल को रोकता है काफ़ी हद तक। तो पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ, हेयर फॉल को रोका नहीं जा सकता, हेयर फॉल जितना होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन हेयर ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। अगर हेयर फॉल हो रहा है दिन में 50 से 100 बाल गिनना इज़ नॉर्मल, तो उसकी जगह पर नए बाल उगना चाहिए। तो दिस ऑयल हेल्प्स टू प्रोमोट द रीग्रोथ योर हेयर, तो ये रीग्रोथ करता है, यस करता है, क्योंकि इस ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसका एक और छोटा पैक मैंने खरीदा था, उसको इस्तेमाल किया मुझे 2 महीने हो चुके हैं। तो आई डेफिनेटली टेल दिस, इस ऑयल इज़ वेरी गुड। और ये सिर्फ हेयर फॉल के लिए नहीं, हेयर के डैंड्रफ, हेयर डैंड्रफ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे स्कैल्प पर थोड़ी थोड़ी इचीनेस हो रही थी और आई थिंक थोड़ी सी फ्लेकीनेस हो गई थी, तो उसको भी इसने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है, तो अभी मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। और इस ऑयल में बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इंडिगो फेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है, और इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप लोग देख लेना। और दिस ऑयल इज़ आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक चीज़ें इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि इस ऑयल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ 50 ml के ऑयल का ही प्राइस है 395, और इसका जो 100 ml का प्राइस है वो है 795। तो दिस इज प्राइस इज सो प्राइसी, लेकिन एक बात बोल देती हूँ कि प्राइसी है लेकिन काम प्राइस के अकॉर्डिंग करता है, मतलब वर्थ द प्राइस, दिस इज़ द वर्थ। लोगों को लगता है कि इस ऑयल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मत खरीदिए। आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोग चाहते हैं ट्राई करना तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोग को निराशा नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मत कीजिए। मैं DIY होममेड ऑयल और थोड़े से कम प्राइस के ऊपर भी ऑयल के वीडियोस लाऊंगी, और मैं सिर्फ यही ऑयल इस्तेमाल नहीं करती, मैं पहले कुछ और ऑयल्स इस्तेमाल करती थी जो प्योर फॉर्म में होता है, कोल्ड प्रेस ऑयल, जैसे कि कैस्ट्रल हो जाए, कलौंजिका हो जाए, सबके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगी कि कैसे आप लोग कोल्ड प्रेस ऑयल खरीद कर उसको मिक्स मैच करके अपने हेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते, या फिर एक सिंगल ऑयल भी कैसे आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हो सकता है, इन सब के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो जब भी वीडियो लाऊंगी आप लोग देखना और उसका फ़ायदा लेना। तो
ये शैम्पू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन प्राइसी है, तो इस शैम्पू को आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, यस मैं रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोग इसको खरीद सकते हो, एफोर्ड कर सकते हो तो खरीदो, लेकिन अगर आप लोग एफोर्ड नहीं कर सकते तो खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और मैं भी शायद कभी इसको खरीदूँगी, मुझे पता नहीं, अगर मन किया तो खरीदूँगी ट्राई करने का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है क्योंकि इस प्राइस में मैं अपने प्लम का जो शैम्पू है उसको खरीद लूँगी और वो सेम काम करता है एज लाइक दिस, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगी, लेकिन रेकमेंड करती हूँ अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो ज़रूर खरीदो। तो अभी बढ़ते हैं कंडीशनर की तरफ, जो मुझे छोटे छोटे पैक में मिला, एक तो ख़त्म ही हो गया एक दिन में और दूसरा रह गया, उसको नेक्स्ट कभी इस्तेमाल कर लूँगी। तो कंडीशनर भी एज सच काम नहीं करता। वन थिंग दैट आई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता कि शैम्पू के वजह से मेरे हेयर सिल्क सॉफ्ट है या कंडीशनर, आई डोंट नो, बट आई थिंक प्लम का जो कंडीशनर है वो ज़्यादा अच्छा है मुझे लगा। तो ठीक है, कंडीशनर मुझे एज सच कुछ नहीं लगा क्योंकि कंडीशनर का मैं बता नहीं सकती, लेकिन आई थिंक कि मेरे हेयर पे जो सिल्की स्मूथनेस आई है बाद में वो शायद कंडीशनर के वजह से। तो हाँ, कंडीशनर अच्छा है, मतलब नॉर्मल जैसा कंडीशनर होता है वैसा ही, मुझे एज सच कुछ मतलब अलग नहीं लगा, नॉर्मल जैसे होता है वैसा ही है। तो आप लोग इसका हेयर क्लेंजर और कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हो, ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करो, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते तो ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस अफोर्डेबल प्राइस में और भी बहुत सारे शैम्पू कंडीशनर हैं, उसका भी वीडियो आएगा माय फेवरेट शैम्पू कंडीशनर के ऊपर, सब्सक्राइब कर लो, सब मिलेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही, तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और हिट द बेल आइकन। बाय बाय।